उत्तर भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। तापमान में लगातार इजाफा हो रहा है। दिन के समय सड़कों पर कर्फ्यू जैसा नजारा नजर आ रहा है। लगातार बढ़ते तापमान ने न सिर्फ आम लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है, बल्कि बिजली विभाग भी पहले से ज्यादा सतर्क हो गया है। यमुनानगर पेपर मिल के 66 केवी पावर स्टेशन पर पावर ट्रांसफार्मर का तापमान ज्यादा न बढ़े, इसके लिए बाकायदा फराटे पंखे लगाए गए हैं। पावर ट्रांसफर के नीचे पानी का बंदोबस्त भी किया गया है। इसके अलावा पाइप के जरिए पानी की फव्वारें भी बिजली की मशीन पर छोड़ी जा रही हैं। पावर स्टेशन पर तैनात जूनियर इंजीनियर श्याम लाल ने बताया कि भीषण गर्मी का असर बिजली की मशीनरी पर भी पड़ रहा है। ज्यादा तापमान के चलते मशीन में आग न लग जाए, इसके लिए हमने तापमान को कम करने के लिए मशीन के नीचे पानी और फर्राटों के जरिए हवा दे रहे हैं ताकि मशीन ठंडी रहे। टेम्परेचर को देखते हुए सर, हमने यहाँ ना फर्राटे लगाए गए हैं, कूलर लगाए गए हैं और पावर ट्रांसफार्मर पे पानी के फवारे लगाए गए हैं, इसका ताकि टेम्परेचर ज़्यादा ही ना जाए। मेरी लोगों से प्रार्थना है भी, मान लो अगर घर में 3 AC हैं तो उनमें से दिन के समय 1 AC को यूज करें, 2 AC को बंद कर दें, क्योंकि दिन के समय पूरा परिवार एक ही AC में काम चल सकता है, जिसकी वजह से मान लो लोड भी कम रहेगा और आपकी लाइट भी कम यूज होगी। गर्मी को देखते हुए इंतज़ाम समय समय पर करते रहते हैं हम, जैसे भी अपने अधिकारियों से हमें संदेश आते हैं अभी उसके हिसाब से हम मेंटेन करते रहते हैं। वही इस मौके पर उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बिजली की बचत करें और इस भीषण गर्मी में जरूरत के हिसाब से ही बिजली का इस्तेमाल करें। नवदेश टाइम्स के लिए यमुनानगर से कुलदीप सैनी की रिपोर्ट। उत्तर भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। तापमान में लगातार इजाफा हो रहा है। दिन के समय सड़कों पर कर्फ्यू जैसा नजारा नजर आ रहा है। लगातार बढ़ते तापमान ने न सिर्फ आम लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है, बल्कि बिजली विभाग भी पहले से ज्यादा सतर्क हो गया है। यमुनानगर पेपर मिल के 66 केवी पावर स्टेशन पर पावर ट्रांसफार्मर का तापमान ज्यादा न बढ़े, इसके लिए बाकायदा फराटे पंखे लगाए गए हैं। पावर ट्रांसफर के नीचे पानी का बंदोबस्त भी किया गया है। इसके अलावा पाइप के जरिए पानी की फव्वारें भी बिजली की मशीन पर छोड़ी जा रही हैं। पावर स्टेशन पर तैनात जूनियर इंजीनियर श्याम लाल ने बताया कि भीषण गर्मी का असर बिजली की मशीनरी पर भी पड़ रहा है। ज्यादा तापमान के चलते मशीन में आग न लग जाए, इसके लिए हमने तापमान को कम करने के लिए मशीन के नीचे पानी और फर्राटों के जरिए हवा दे रहे हैं ताकि मशीन ठंडी रहे। टेम्परेचर को देखते हुए सर, हमने यहाँ फर्राटे लगाए गए हैं, कूलर लगाए गए हैं और पावर ट्रांसफार्मर पे पानी के फवारे लगाए गए हैं, इसका ताकि टेम्परेचर ज़्यादा ही ना जाए। मेरी लोगों से प्रार्थना है भी, मान लो अगर घर में 3 AC हैं तो उनमें से दिन के समय 1 AC को यूज करें, 2 AC को बंद कर दें, क्योंकि दिन के समय पूरा परिवार एक ही AC में काम चल सकता है, जिसकी वजह से मान लो लोड भी कम रहेगा और आपकी लाइट भी कम यूज होगी। गर्मी को देखते हुए इंतज़ाम समय समय पर करते रहते हैं हम, जैसे भी अपने अधिकारियों से हमें संदेश आते हैं अभी उसके हिसाब से हम मेंटेन करते रहते हैं। वही इस मौके पर उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बिजली की बचत करें और इस भीषण गर्मी में जरूरत के हिसाब से ही बिजली का इस्तेमाल करें। नवदेश टाइम्स के लिए यमुनानगर से कुलदीप सैनी की रिपोर्ट।